हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 700 सीरीज का पार्ट 15। इसके पहले हम लोगों ने कुल पार्ट 14 तक कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में। तो जो लोग ये बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 700 की सीरीज में जाएँ और वहाँ पर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हम ये है हमारा आज का 15वां सीरीज है, ठीक। तो देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन काफी इजी है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले सब चीजें जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक बार क्या है कि अगर रिवाइज हुआ रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आंसर यही होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ, तो प्रस्ताव रखा कब गया था? इसका प्रस्ताव रखा गया था 14 जुलाई 1942 को, ठीक, कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में, ठीक। कांग्रेस का अधिवेशन 1942 में कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, और उसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक। उस समय अध्यक्षता किसने किया था? उस समय गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम आते ही आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बार लंबे समय तक किसने किया है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका रीज़न भी था क्योंकि आपको याद होगा कि हर साल अलग अलग लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता था, ठीक। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था और अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और 1945 में ख़त्म हुआ। तो वर्ल्ड वॉर ये कब नियुक्त हुई है? तो 1940 में 40 से लेकर के 45 तक कंटिन्यू यही कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। इधर प्रस्ताव पारित हुआ कि अब अंग्रेजों को क्या करना है, भारत से बाहर भगा के ही रहना है। क्यों इतना ज़रूरी हो गया? क्या इसके पहले नहीं ज़रूरी था कि सब लोग, गांधी जी भी नहीं इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि हाँ हम लोग क्या करें, अंग्रेजों को बाहर से भगा दें? उसका रीज़न ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी हमला करने वाला था किस पे? भारत पे, ठीक। जर्मनी नहीं, जापान हमला करने वाला था भारत पे। जापान ने क्या किया था? सिंगापुर और वर्मा इन सब जगहों पर कब्जा कर लिया था और भारत पे आने वाला था। गांधी जी को लगा अभी तो एक के कब्जे में हम लोग हैं, अगर जापान ने भी हमला कर दिया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से क्या किया गया कि अब तो लोगों ने, भारतीयों ने एकदम ठान लिया कि अब हमें अंग्रेजों से आज़ाद होना है, क्योंकि जापानियों की लड़ाई हमसे नहीं ब्रिटिश से है, ठीक। अगर ब्रिटिश ही भारत से चले जाएंगे तो हमारे ऊपर हमले का कोई डर रहेगा ही नहीं, ठीक। तो ये था रीज़न। अब इधर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त को अंग्रेजों ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो और चलाया, और जितने भी प्रमुख नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में, जितने भी, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पुणे के जेल में रखा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद किसे किस जेल में रखा गया है, ठीक। तो याद रखिएगा, गांधी जी और सरोजनी नायडू को पुणे में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में और राजेंद्र प्रसाद को पटना में रखा गया था। अब इन्हीं नेताओं को छुड़ाने के लिए जगह जगह पर अस्थायी सरकारें बनाई गई। अस्थायी सरकार मतलब चुनाव के द्वारा सम्मिलित हो, ठीक, चुनाव के द्वारा सम्पन्न हो। और जबकि यहाँ पे क्या बनाया गया था? अस्थायी सरकारें, सिर्फ किस लिए कि हमें क्या करना है, जितने भी बड़े नेता हैं इनको छुड़ाना है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी सरकारें बनाई गई थी, समानांतर सरकार, जातीय सरकार, और क्वेश्चन आता है सबसे लंबी सरकार। समानांतर सरकार कहाँ पर बनाया गया था? तो बलिया, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और किसने बनाया था? तो चित्तू पांडे ने। किसने बनाया था समानांतर सरकार? चित्तू पांडे ने। अगला था हमारा जातीय सरकार, यह बना था पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में, जो किसने बनाया था? सतीश सावंत ने। और सबसे लंबी सरकार चली थी महाराष्ट्र में, जो कि बनाया गया था नाना पाटिल के द्वारा, ठीक।
तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। कौन सा नारा था? मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक, आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो महात्मा गांधी है हमारा सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगला हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से प्रारंभ हुआ? किसकी प्रतिक्रिया से? मैंने कल आपको पढ़ाया था कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, तो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव, यह आया था मार्च 1942 में। ठीक, चलिए अगला हमारा, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सभी ने। ये तीन पार्टियां हैं जिनमें से किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? इसका आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। और अध्यक्ष कौन थे उस समय कांग्रेस के? उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद करना इजी है, आपको पता 40 से 45 तक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से दूसरा अध्यक्ष नहीं चुना गया था। नेक्स्ट है हमारा, जब भारतीय सरकार कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको याद आना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है इन्हीं की स्मृति में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कहाँ पे बनाया गया है? तो गुजरात में। ठीक, इन्होंने एकीकरण भी किया था। और अभी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अखंडता नामक पुरस्कार की घोषणा किया है, जो कि किसकी स्मृति में दिया जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में दिया जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है? 182 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, अगला हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने। ठीक, और मरो या मारो का किसने, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे दिया है, तो यह नारा गांधी जी ने दिया था महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान में 8 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, अगला हमारा, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया है? या पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया था। बलदेव सहाय, जो कि एक महाधिवक्ता थे, पद से त्यागपत्र कब दिया? तो अपने पद से, जाहिर सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1942 पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है? हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी समय 1942 में इन्होंने क्या किया था? अपने पद से त्याग दे दिया था। ठीक, अगला हमारा, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किसका था? तो यह कथन था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। किससे जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा यह कथन था। ठीक, बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा? नहीं, महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें।
सैनिकों को पद छोड़ने को कहा, नहीं, सैनिकों से कहा कि आप अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। कहा तो था सैनिकों को कुछ, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप अपना पद छोड़ें, बल्कि ये कहा था कि आप अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। ठीक, और क्या कहा था कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। छात्रों से कहा था कि आप पढ़ाई को तभी छोड़ो जब आप आज़ादी तक क्या करो, अपने इस निश्चय पर दृढ़ रह सको। इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रेडियो से एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से कार्यक्रम का प्रसारण करना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया थे, ये क्या करते थे, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। तो मैंने आपको बताया था अबुल कलाम आजाद थे लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, अमरीकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम क्या था। उसका नाम था लुई फिशर। कौन था, लुई फिशर, महात्मा भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्रकार था अंग्रेजी। ठीक, कौन है, लुई फिशर, नाम याद रखिएगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करें डांडी मार्च के समय, तो डांडी मार्च के समय थे वेब मिलर। ठीक है, याद रखिएगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जबकि जब हमें आज़ादी मिली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, उस समय ब्रिटेन पार्टी के नेता प्रधानमंत्री कौन बने थे, क्लीमेंट एटली। तो यहाँ से भी मत कन्फ्यूज होइएगा, आज़ादी के समय प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। ठीक, जबकि 1942 में जबकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, तो उषा मेहता ने। ठीक, और लाइव डेली डेली लाइव टेलीकास्टिंग कौन करते थे, हमारा डेली, देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है कि राम मनोहर लोहिया क्या करते थे, डेली लाइव टेलीकास्ट करते थे। ठीक, यहाँ याद रखिएगा कि प्रसारण किसने किया था, तो उषा मेहता ने। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो उनको भेजा गया था पटना में। कहाँ पे भेजा गया था, पटना में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पटना के बाकीपुर जेल में भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति प्राप्त है किस वजह से, पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। तो बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमारा सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, या दंगे सबसे अधिक व्यापक थे, बिहार में और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आपको पता है उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है। ठीक, यूपी स्पेशल वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा है कि कब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक, तो जितने भी नाम थे उसके सब वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है, पूरा यूपी स्पेशल। ठीक है, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का। अगला हमारा सही है ये तो, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। मैंने बताया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान क्या करना चाह रहा था, भारत पर हमला करना चाह रहा था, भारतीयों की वजह से नहीं, क्योंकि भारत क्या था, ब्रिटिशर्स का काफी बड़ा उपनिवेश था इस वजह से। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया, गांधी जी कभी भी हिंसा के लिए कहते ही नहीं थे, तो हमारा सी गलत है। चौथा हमारा, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो हमारा कई कौन सा सही होगा, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1, 2, 4। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलनों को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। ठीक, सही है। दूसरा हमारा,
कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो यह भी सही है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ए आर, दोनों सही है। और आपको इससे ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि 1942 में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो मैंने आपको बताया है कि उनको बम्बई में बनाया गया था। महात्मा गांधी को कहाँ पे बनाया गया था? बम्बई में। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद महात्मा गांधी को कैद किया गया था कहाँ पे? महात्मा गांधी को कैद किया गया था आगा खा पैलेस में। कहाँ पे कैद किया गया था? आगा खा पैलेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपकी वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत क्या करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू।